वेलकम बैक टू पार्ट थ्री। इसके पहले अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम आज इसको पार्ट थ्री को क्वेश्चन नंबर सेवन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इट्स डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम ए बी सी डी है, तो पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। एक पैरेललोग्राम है, पैरेलोग्राम की खासियत यह होती है कि दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती हैं और इक्वल भी रहती है, सेम सेम ए वाली ए साइड और ए साइड दोनों आपस में इक्वल भी रहेंगी और पैरेलल भी रहेंगी। और इसके एक दो डायगनल हैं, एक ए सी और बी डी डायगनल हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये हो गया एक डायगनल, ये हो गया दूसरा डायगनल, ठीक। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ए बी सी डी, ये पैरेलोग्राम का नाम ए बी सी डी है। तो और ए सी और बी डी दो डायगनल हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ओ बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, अगर ओ बी ये जो है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और आगे दिया है कि एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन बी डी, और जो ए सी है बी डी का 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बी डी से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है ए सी। इस तरह क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब कि ए सी जो है बी डी से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो पहले हम पता करेंगे कि बी डी कितना है, अभी तो हम सिर्फ ओ बी पता कर चुके हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलोग्राम की कि इसके जो डायगनल होते हैं, जो बी डी है और ए सी है, इंटरसेक्ट तो हो ही रहे हैं ओ पे, लेकिन जो इंटरसेक्ट करते हैं ये इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। मतलब कि जो ए ओ बी होगा इतना ही ओ डी भी होगा, यानी कि ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? ये जो ए सी डायगनल है बी डी डायगनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सेम उसी तरह ए सी डायगनल को बी डी डायगनल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जब ओ बी 4.5 सेंटीमीटर था तो बी डी हो जाएगा दोनों का एड, मतलब कि 4.5 + 4.5 मतलब कि 9 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पता चला कि बी डी जो है ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 9 सेंटीमीटर है। और फिर दूसरी जो लाइन में कह रहा है कि एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर मोर देन बी डी, ये जो ए सी है ना बी डी का 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब कि ए सी जो हो जाएगा बी डी प्लस 5, ठीक। जो ये ए सी है ये बी डी का 5, एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर मोर देन बी डी, ए सी जो है बी डी से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और बी डी हमारा आया है 9, इसको ऐड करेंगे 9 + 5, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि पूरी जो ए सी है ये आ गई है हमारी 14 सेंटीमीटर। अब हमने कहा कि जो है ये पार्ट, मतलब कि ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बी डी जो है डायगनल ए सी डायगनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये पूछा है कि द ओ ए इज़, मतलब कि ओ ए, ए लेंथ और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी। तो पूरी हमको पता चलेगी कि 14 होगी, तो 14 को दो पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, तो ए भी 7 होगी और ए भी 7 होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ए ओ जो लेंथ है वो होगी 7 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगा है, ओ ए है कि जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी करते हैं। बस उसी बाइसेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। इफ 3 की पावर x + 3 की पावर x + 3 की पावर x इज इक्वल टू 729, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज। क्वेश्चन में दिया है कि 3 की पावर x + 3 की पावर x + 3 की पावर x = 729। फिर जो है हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू से पूछी है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो एक जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो 3x तीनों टर्म में है, तो 3x ले लेंगे हम कॉमन, ये हो जाएगा 3 की पावर x कॉमन हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, क्योंकि 3x बाहर चला गया तो यहाँ भी बचेगा 1, तीनों जगह 1 बचेगा, ये हो जाएगा 729।
यहाँ से 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3, 3 × 3 की पावर x इक्वल 7 to 9। अब यहाँ से देखो 3 की पावर x की वैल्यू आ जाएगी 729, ये 3 जो इंटू में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 बचा ये 2 आ जाएगा 12, यानी कि 3 × 4 = 12, फिर 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा 9, यानी कि ये हो जाएगा 243। 3 की पावर x आ गई 243। इस सीरीज के पहले ही क्वेश्चन में यानी कि पार्ट 1 में हमने इसी तरीके का एक इक्वेशन बनाया था, जो क्वेश्चन में दिया था 3 की पावर x + y इज इक्वल टू 243 था। तो हम इसी 243 को लिख दिए थे 3 की पावर 5। क्यों ऐसा किए थे? क्योंकि जब हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 249 है तो हम 243 है, इसी हम 243 को 3 की पावर 5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, तो देखो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 = 3, ये 9×9 = 81 × 3। जब इसको हम करेंगे 3 × 3 और 8×3 = 24, यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 243 आ रहा है। तो हम इसी 3 को जो 5 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको नहीं कर सकते 3 की पावर 5। तो सेम इसी तरह यहाँ भी 3 की पावर x = 3 की पावर 5। अब यहाँ देखो इसका भी बेस सेम है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 3 की पावर x = 3 की पावर 5। जब किसी भी टर्म का बेस सेम होता है तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसको हम कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से कंपेयर करने पर मिलेगा x = 5। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स 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 जो है इसका स्क्वायर हमसे पूछा है, तो हमें अभी एक्स की वैल्यू मिली है जो है 5, तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। ठीक, ये 25 है जो हमारा आंसर निकल के आया है, वो 25 है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी जिसमें 25 दिया गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 100%, 100 नहीं 10%, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, द नेट डिक्रीज परसेंट इज। तो कह रहा है कि इसमें कोई नंबर है जिसको पहले हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस नंबर को हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि तो हमको नंबर नहीं पूछा है, तो हम कुछ भी नंबर मान लें। तो मानने में अच्छा ये होगा कि हम जो नंबर माने, लेट द नंबर जो नंबर माने वो 100 ही माने, क्योंकि 100 मानने में आसानी होगी। कुछ अगर मान लो 100 का 20% लेना हुआ तो 100 का 20% 20 ही हो जाएगा, 30% लेना होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है 100 से ही निकलता है। ठीक, तो सेम इसी तरह हम लेट द नंबर जो 100 को नंबर जो मान लिए हैं वो 100 ही है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, अब इसी नंबर को हम 10% इंक्रीज करते हैं, तो 10% ऑफ 100 जो होगा वो 10 ही होगा। जैसे मैंने अभी बताया 20% अगर 100 कर लें तो 20 ही आएगा, 30% 100 कर लें तो 30 आएगा। तो हम लिख के बताते रहे हैं कि जो 10% है ऑफ 100 ये कितना आएगा, तो 10% ऑफ 100 का मतलब होता है कि 10/100, ये 10% का मतलब हुआ, ऑफ तो इंटू होता है इंटू 100, इसको जब 100 100 कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10% ऑफ 100 10 ही हुआ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज बाई 10%, इसी 100 नंबर को 10% जब इंक्रीज कर दिए तो ये हो गया 110, मतलब कि पहले था 100, अब इंक्रीज किए हैं 10% तो 10 बढ़ गया है, ये हो जाएगा 110। फिर अब दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाई 10%, अब जो नंबर बना पहले इंक्रीज पहले था 100, इसको जब इंक्रीज किए 10% तो हो गया 110, अब इसी 110 का 10% डिक्रीज कर रहा है, ना कि इसका 10% डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज जो कर रहा है ये 110 का डिक्रीज कर रहा है। तो अब 10% ऑफ 100 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 110, फिर ये हो जाएगा 10/100 × 110। तो यहाँ से देखो 1 0 1 0 कैंसिल और ये 10/5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10% ऑफ 110 जो आया है वो 11 आया है।
तो अब 11 को क्या किया गया है, 110 से डिक्रीज किया गया है, तो इसमें यहाँ प्लस किए थे तो यहाँ माइनस करेंगे, 110 माइनस 11, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 99। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है कि द नेट डिक्रीज परसेंट इज, मतलब कि पहले 10% इंक्रीज किए, फिर जो हुआ उसी का 10% डिक्रीज किए, तो नेट डिक्रीज परसेंट क्या होगा। तो पहले ही बता दिया कि डिक्रीज परसेंट, मतलब कि जो परसेंटेज होगा वो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि पहले था ना, पहले जो हम नंबर माने थे वो नंबर था 100, अब 10% इंक्रीज़ किए, फिर उसका 10% डिक्रीज़ किए तो आया 99, अब आया है न्यू नंबर जो हो गया है वो 99 हो गया है। हमसे पूछा है कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुआ है तो पहले देखें नंबर कितना डिक्रीज़ हुआ है, नंबर अगर हम डिक्रीज़ का करें तो माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 99 ये हो जाएगा 1, यानी कि जो डिक्रीज़ हुआ है 1 हुआ है, तो 1 को हमको देखना है परसेंटेज कितना होगा, तो मान लेते हैं कि जो परसेंटेज होगा वो एक्स होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 100 जब नंबर माने हैं तो 100 का 20% 20 होगा, 10% 10 होगा, 1% होगा, 2% होगा, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर 1% निकल ही आया है अगर हम परसेंटेज निकालें। लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ कि मान लो कि एक्स परसेंट है, हमको नहीं पता कितना परसेंट है, तो एक्स परसेंट ऑफ, तो मान लिया कि वो एक्स परसेंट है, तो एक्स परसेंट ऑफ 100 इज इक्वल टू 1, हमको 1 का निकालना है कि कितना परसेंट होगा। तो मान लीजिए कोई एक्स परसेंट होगा 100 का, 100 का एक्स परसेंट होगा जो 1 है, जो नंबर 1 आया था, तो एक्स परसेंट को लिख सकते हैं एक्स बाई 100 ऑफ को मल्टीप्लाई इंटू 100 इज इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 100 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 होगा यानी कि 1%। ठीक, आप इसको सिंपली भी समझ सकते थे लेकिन मैं आपको फार्मूला रख के बताया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी है जिसमें दिया हुआ है कि एक्स की जो परसेंटेज होगी वो 1% डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2:3 इफ इट्स वॉल्यूम इज 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, देन टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है और इसका वैल्यूम 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बैठकर ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिख देंगे, तो मैं इसको देखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही करेंगे। इसके पहले भी मैं होमवर्क दिया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था, तो मुझे लगा कि कोई इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं होमवर्क देता रहूंगा, आप लोग करें या ना करें, अगर करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं, मैं तो अगले वीडियो में यानी कि पार्ट अगले पार्ट में इसको तो सॉल्व करूंगा ही। ओके, थैंक यू।